हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे कुंदन टेक्नोलॉजी में। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे पास ये सेट है जियो एप 220। आप देख सकते हैं जियो एप 220। तो ये मॉल ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन नहीं हो रहा तो इसको कैसे ऑन किया जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर और बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चलते हैं वीडियो पर, देखिए कि इसको कैसे ऑन किया जाता है। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम मोबाइल को सेट को पीछे से खोल लेंगे, जैसे कि वीडियो में देखिए मैं खोल लिया हूँ। और इसका बैटरी जो कनेक्टर होता है, यहाँ बैटरी कनेक्टर होता है, एक प्लस होता है, एक BSI होता है और एक नेगेटिव होता है जो कि ग्राउंड से शॉर्ट होता है। तो सबसे पहले मैं इस कनेक्टर को सफ़ा करूँगा, कोई भी किसी से सफ़ा कर लीजिएगा। होता क्या है कि बहुत सारा मोबाइल में कनेक्टर में कार्बन लग जाता है, समझे, इस कारण मोबाइल ऑन नहीं होता। तो इसको अच्छा से सफ़ा कर लिया, देख लीजिए मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कैसे सफ़ा करना है। तो इसमें कार्बन जुड़ जाने के कारण भी मोबाइल ऑन नहीं होता, तो मैंने सफ़ा कर दिया, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद बैटरी लगा के देखिएगा, फिर भी ऑन नहीं हुआ। तो अगर बैटरी चेक कर लीजिएगा, बैटरी का वोल्टेज चेक कर लीजिएगा, 27 लाख। वोल्टेज चेक करने के लिए बैटरी एक प्लस पर एक माइनस पे रखिएगा। बैटरी का वोल्टेज 16, यानी बैटरी चार्ज नहीं है। चार्ज बैटरी आप लगा के देखिएगा, चार्ज बैटरी मैं यहाँ से लेता हूँ, देखिए नया बैटरी है जियो लाइफ का है। नया बैटरी लगा के देखते हैं, देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गया है। तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था, तो इसमें प्रॉब्लम था बैटरी कनेक्टर पे कार्बन जमा हुआ था, इस कारण मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। तो कार्बन मैंने छोड़ा दिया तो मोबाइल ऑन हो गया है, अब देख सकते हैं वीडियो में। तो मैं आपको बता दिया हूँ कैसे मोबाइल ऑफ होता है, ये प्रॉब्लम होता है और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे जैसे मेरे पास प्रॉब्लम आएगा मैं हर चीज़ का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।